जी कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6, 6:30 बज गए होंगे और आज है 13 जून यानी कि मंगलवार। अभी मेरी इवनिंग रूटीन शुरू हो गई है। बस थोड़ा बहुत काम कर लिया था। गर्मियों का ये है कि भाई शाम का काम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट शुरू होता है। और अभी 2-3 दिन से तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये समझ लीजिए कि अभी 2-3 दिन से तो मतलब कि अब तक इतनी गर्मी हुई ही नहीं थी, डबल गर्मी हो गई है। तो बस शाम का काम बहुत ज़्यादा लेट शुरू होता है और गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम, कुल्फ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए रबड़ी कुल्फ़ी। तो उसके लिए मैंने दूध चूल्हे पर गर्म रख दिया है और थोड़ी सी इसमें इलायची डाल दी है। इलायची डालने से खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है। और एक कटोरी है मैंने दूध की मलाई निकाल कर इकट्ठी कर रखी थी तो वो डाल दी थी। और रबड़ी अभी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है तो ये चीनी डाल दी है। और चीनी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी हो जाती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये जो हमारी रबड़ी है ये जमती नहीं है। तो चीनी ठीक ठीक ही डालें। वैसे तो हम आइसक्रीम वगैरह कुल्फ़ी कुछ भी बनाते हैं तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, लेकिन हद से ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, जैसे कि चाशनी होती है तो इतना मीठा हो जाता है तो फिर कुल्फी हमारी जमती नहीं है। तो जी बस अभी रबड़ी तो बनकर तैयार हो गई थी, कढ़ाई को मैंने नीचे उतार दिया और साथ साथ मेरी खाने की तैयारी भी चल रही थी क्योंकि रात को हम खाने की तैयारी में लगते हैं, रात नहीं शाम को हम खाने की तैयारी में लगते हैं 6 बजे 6:30 बजे। तो उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस फिर जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है सारा काम क्योंकि अंधेरा होने के बाद फिर कीड़े मकोड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अंधेरा हो ही जाता है। आलू वगैरह मैंने गैस पर ही उबाल लिए थे और अभी ये जो शिमला मिर्च है इनके नाकों निकाल लेते हैं और इनका जो अंदर का हिस्सा है ना थोड़ा बहुत वो निकाल लेते हैं बीज वगैरह। और कढ़ाई में अभी सरसों का तेल गरम कर लिया है मैंने और सबसे पहले डाल दिया जीरा, फिर हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और थोड़ी सी डालेंगे हींग। बस सभी मसालों को तेल में मैंने भून लिया और उसके बाद फिर डाल दी ये प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है, आप चाहें तो चॉपर में भी कट कर सकते हैं, मिक्सी में तो नहीं घुमाते हैं। मिक्सी में घुमाते हैं तो फिर हमारी जो हम पिट्ठी बनाने वाले हैं वो थोड़ी सी मतलब नरम हो जाती है, फिर अच्छी नहीं बनती है। तो बस बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लें। प्याज मेरी भुन गई थी तो उसके बाद इसमें मैंने नमक, धनिया और लाल मिर्च डाल दी और मसालदानी में हल्दी ख़त्म हो गई थी तो हल्दी आएगी तब तक हम ये मसाले पका लेते हैं। और मसालदानी का यही है कि इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले आते हैं तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो जी अभी मैंने हल्दी भी डाल दी है, हल्दी डालकर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और अभी इसमें साथ में मैं डाल दूंगी गरम मसाले, जैसे कि 1 चम्मच मैंने डाला था अमचूर पाउडर, 1 चम्मच डाला था गरम मसाला। आप चाहें तो थोड़ा बहुत नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आधे नींबू का, 1 नींबू का। नींबू अभी हमारे घर पर रहते नहीं हैं तो बस मैं तो अमचूर पाउडर ही डाल लेती हूँ। तो जी बस अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लिया और इसमें डाल देंगे अभी हम हमारे आलू और जो मैंने थोड़ा बहुत मिर्च के अंदर बीज वगैरह कुछ निकाले थे ना वो भी मैंने आलू के साथ ही मिक्स कर लिए हैं और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अभी इसमें हम आलू डाल देंगे, आलू डालकर बस इसको 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जी अभी पिट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अभी कढ़ाई को तो मैं उतार देती हूँ नीचे और थोड़ी सी इस पिट्ठी को हम ठंडी कर लेते हैं क्योंकि अभी तो ये गर्म ज़्यादा है और तब तक मेरा एक दो काम और बाकी है वो निपटा लेती हूँ मैं क्योंकि घरों के काम तो चलते ही रहते हैं। और एक काम को छोड़कर दूसरे काम करने की तो एक हाउसवाइफ की लगा लीजिए या हर औरत की आदत रहती है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम है तो इस टाइम में हम हमारा कौन सा काम निपटा सकते हैं। और शाम को तो मेरा यही रहता है, शाम को काम लेट स्टार्ट होता है ना तो काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। एक काम में थोड़ा बहुत टाइम निकलता है तो फिर दूसरा काम निपटा लेते हैं। अभी मसाला हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो बस अभी मिर्च भरकर तैयार कर लेते हैं। और शिमला मिर्च की जो हम कट करके सब्जी बनाते हैं ना आलू शिमला मिर्च की, उससे ये बरवा शिमला मिर्च की सब्जी खाने में
बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली शिमला मिर्च की सब्ज़ी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं दोनों ही खा लेती हूँ, लेकिन इनको ये भरवा शिमला मिर्च की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। पिछली बार लेकर आए तब भी बर्गर बनाने की फरमाइश थी, लेकिन तब तो मैं बना नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो बस अभी ये मैंने 5-6 मिर्च ली हैं, एक दो तो रख ली थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। इनको बर्गर तैयार कर लेते हैं, और तब तक ये चला देते हैं आटा पीसने के लिए चक्की। गर्मी तो वैसे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। और गर्मी होती है तो हमारा यही रहता है कि गर्मी हो गई है, और सर्दियों में हम सर्दी सर्दी करते रहते हैं, तो ये सब तो हमारा चलता ही रहता है, काम हर मौसम में करना ही पड़ता है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो जी अभी मिर्च मैंने बर्गर तैयार कर ली है, ये देखिए, और बस अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी सी पीछे बच भी गई थी ना। अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने डाल दिया 1 कड़छी सरसों का तेल, 1 कड़छी से थोड़ा सा कम है अंदाज से डाला था, और उसके बाद डाल दिया 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा चटकने के बाद फिर मैंने डाल दी ये मेरी शिमला मिर्च, और थोड़ी सी जो पिट्ठी बच गई थी वो भी हम डाल देंगे, और बस ढककर इनको पका लेंगे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, और 2-4 बार इनको हम बीच में ऐसे चिमटे से पलट देंगे। जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और टेस्ट का तो पता ही, आप सबको टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इस सब्ज़ी का। और तब तक ये रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था, बिल्कुल सिंपल दूध की रबड़ी बनाई है। ड्राई फ्रूट हो तो ज़रूर डालें क्योंकि इससे टेस्ट डबल हो जाता है, लेकिन दूध की रबड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ठंडी ठंडी कुल्फी इसके हम बनाते हैं, तो वो तो खाने में गर्मियों में बेस्ट रहती है। बाज़ार से हम जो आइसक्रीम वगैरह लेकर आते हैं ना, उन सब से मुझे ये घर पर बनी हुई दूध की रबड़ी अच्छी लगती है। तो बस इसके ऊपर हम लगा देंगे सिल्वर पेपर और फ्रिज में रख देंगे। अभी हमारे यहाँ लाइट आई हुई है, तो मैंने सोचा कि जल्दी रख देते हैं, सुबह तक जम जाएगी, नहीं तो जिस हिसाब से अभी गर्मी हो रही है ना, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि जमेगी। गर्मी ज़्यादा रहती है तो फ्रिज में भी इतनी अच्छी तरह से बर्फ़ नहीं जमती है। अभी आटा पीस कर तैयार हो गया था, तो रोटी बनाने के लिए आटा गूँथ लेते हैं। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और कई दिन से 2-3 दिन से सोच रहे थे पीसना, तो मैंने कई दिन पहले करके रख दिया था, पर चाखी नहीं चल पा रही थी क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और दोपहर को 12 बजे लाइट आती है, उस टाइम तो हद से ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो शाम को ही मौका बैठता है चाखी चलाने का। लेकिन वो काम भी वही बात है, जब तक घर में आटा रहता है हम ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे। तो जी बस अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई, और आँच नहीं जलाई थी मैंने, बिल्कुल धीमी धीमी आँच जलाई थी, क्योंकि चूल्हे में जितना हम गैस को लो पर रखते हैं उतनी आँच तो रहती है, और गर्मियों में आँच और भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो बस सब्जी बन गई थी, सब्जी को उतार कर चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और गर्मी में आज हाल बेहाल हो रखा है, चूल्हे के पास पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गर्मियों में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे तो हम चाहे रसोई में बनाएं या चूल्हे पर बनाएं, गर्मी तो बराबर ही रहती है, क्योंकि अंदर की जो रसोई है उसमें भी इतनी ही गर्मी है, बाहर फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत हवा लग जाती है। और आज मंगलवार है, तो इस बार हम रोट तो लगा नहीं पाए थे, क्योंकि नया अनाज हमारे यहाँ निकलता है ना, तो हम रोट लगाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक नहीं लगाया है। नए अनाज का जो रोट होता है वो जेठ में लगाते हैं देसी भाषा में, तो और अंग्रेजी भाषा में कौन सा महीना रहता है, मई का महीना, मई में लगाते हैं, लेकिन इस बार हम नहीं लगा पाए। वैसे मंगलवार को प्रसाद हमारे यहाँ बांटा जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं तो एक अलग बात है, नहीं तो लगभग याद रहती है, तो हम मंगलवार को प्रसाद ज़रूर बांटते हैं। तो बस अभी पूजा हो गई है, ये प्रसाद बांट देते हैं, और तब तक मैंने आटा वगैरह गूँथ कर रोटियाँ बनाकर तैयार कर दी हैं। तो जी अभी रोटियां मैंने बना ली हैं, और किसी ने भी खाना नहीं खाया है, सबका खाना भी बाद में ही होगा, गर्मियों में गर्म गर्म रोटियां इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो बस अभी तवा मैंने उतार दिया है, तवा हम कभी भी खाली नहीं उतारते हैं, और उतारना भी नीचे अच्छा नहीं रहता है, तवा खाली उतारना, एक रोटी तवे पर ही छोड़ दें,
और उतारने के बाद फिर उस रोटी को उठाएं, और आखिर की जो रोटी होती है वो थोड़ी सी मोटी बनानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं तो घर में सेहत बरकत भी होती है और आदत हो जाती है देखते देखते। जैसे कि बच्चे हमें देखते हैं, हम मम्मी को देखते थे तो बस देखते देखते हम सीख जाते हैं। तो जी सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है और साथ में नूनी की लगी हुई रोटियाँ हैं, प्लेट मैंने लगा दी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बिल्कुल सिंपल प्लेट है और रात को भी ये खाने में दूध नहीं लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं। बच्चों को तो मैं दूध देती हूँ, हम दोनों लस्सी ले लेते हैं। मुझे भी रात के खाने में गर्मियों में लस्सी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह, अभी लगभग सुबह के शायद 5:45 बज गए होंगे। वैसे दिन को देखकर तो लगता नहीं है कि अभी 5:30 या 5:45 बजे होंगे, लेकिन टाइम यही हुआ है क्योंकि 6 बजे तो हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। और मैंने सुबह उठते ही चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन, मैंने सोचा कि आधा घंटा है तब तक थोड़े बहुत कपड़े धुल जाएंगे, एक गांड भी मशीन में धुल जाएगा तो निचोड़ कर सुखा देंगे। तो बस अभी कपड़े धुलने की मशीन मैंने चला दी है। दूध आज मुझे बिलोना नहीं था क्योंकि दूध अभी हमारे यहाँ इतना ही होता है। कल हमने आइसक्रीम बना ली थी, कुल्फी बना ली थी और थोड़ा सा जो बचा था उसकी दही जमा दी है। बच्चे तो दही ही खा लेंगे, बस इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये दही खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी लस्सी नहीं होती तो खा लेते हैं दही। और कुल्फी हमारी काफ़ी अच्छी जमकर तैयार हुई है, बस मुझे कल से यही था कि जमेगी या नहीं जमेगी गर्मी को देखते हुए, क्योंकि हमारा फ्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है। और ये मैंने बनाई थी रबड़ी वाली कुल्फी और रितिका ने अलग से रखी थी कटोरी में, इसमें इसने थोड़े से बिस्कुट मिक्स किए हैं। तो ये वाली कुल्फी भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है बिस्कुट वगैरह की, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मुझे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, ये दोनों बहन भाई बहुत पसंद करते हैं। तो बस रितिका ने इसमें से थोड़ी सी रबड़ी ले ली थी और उसमें बिस्कुट वगैरह मिक्स करके बनने के लिए रख दी थी, और अभी इसको मिक्सी में घुमाएगी फिर जमाएगी, इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ये देखिए कुल्फी हमारी कुछ ऐसी जमकर तैयार हुई है, उम्मीद से ज़्यादा टेस्टी, और मुझे उम्मीद नहीं थी उससे भी अच्छी जमकर तैयार हुई है, ये देखिए। तो बस अभी सुबह 6 बजे तो मैंने बताया था ना आप सबको लाइट चली जाएगी, तो मैंने सुबह सुबह ही निकाल ली है क्योंकि बाद में भी ये जो रबड़ी वाली कुल्फी होती है ना ये बड़ी जल्दी पिघल जाती है। कुल्फी या आइसक्रीम कुछ भी हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो वो लाइट जाने के बाद बड़ी जल्दी पिघल जाती है। तो जी ये देखिए कुल्फी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल स्मूथ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। थोड़ा सा दिन निकलते ही मक्खियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो जी अभी ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए हैं खाने के लिए, और सुबह सुबह अभी इनके लिए मैं बनाना शेक बना देती हूँ, पर आज दोनों बहन भाई ने कुल्फी खाई और मैंने भी खा ली है। चाय पियेंगे थोड़ी सी लेट क्योंकि आज सुबह उठते ही गर्मी तो है पर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो दूध निकाल लिया था आज हमारी वैसे थोड़ा सा जल्दी दूध दे दिया तो काम सारा बन गया। बस अभी गोबर उठा लेते हैं, उसके बाद फिर भैंसों को सानी वगैरह डालकर जाएंगे खेत। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, और सुबह हो गई है तो गुड मॉर्निंग।